आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ट्रस्ट फैक्टर एंड इनर बिलीफ के ऊपर। मेरा नाम अभिषेक धवन है और एक मैं बिजनेस कोच हूँ विद स्पेंजियर। देखो, अगर मैं ट्रस्ट फैक्टर और बिलीफ की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली दीज आर द टू मेन पॉइंट्स। अगर आप देखा जाए तो ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी काम किया जाता है। आपको जब किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं है या किसी चीज पर बिलीफ नहीं है तो आप वो कभी भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपको नेस्विस के अंदर किस चीज पर ट्रस्ट करना है? ऑन द कंपनी। You have to keep a trust on your uplines and a trust on your system. जो system बना के दिया हुआ है, you need to have a trust on that. देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, you need to accept this in your deep heart. बहुत deeply आपको ये accept करना पड़ेगा कि हाँ, ये काम करता है और ये एक democratic system है जिससे आप पैसे बना सकते हो। इससे आपको वो lifestyle मिलने वाला है, वो financial security मिलने वाली है। You need to have a faith on this. अभी तक हम लोगों ने जिंदगी में generally जो भी काम किए हैं, it's like बहुत सारा टाइम डाला है उसमें, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे पैसे डाले हैं उसमें काम करने के लिए। आइदर इट्स इन जॉब और इन बिजनेस, कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे चीजें डालने के बाद ही हमें कुछ बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कहीं ना कहीं ट्यून्ड इसी तरह से है दैट यू नीड टू जस्ट डू अ लॉट टू गेट अ लिटल अमाउंट। वो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वी नीड टू ब्रेक दैट। वहां के जो इनर बिलीव्स हैं हमारे, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, हमें उसको तोड़ना है। जिस दिन आप ये प्रॉपरली कर पाओगे कि आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटाया और हैव अ टोटल फेथ ऑन नेस्विस, द कंपनी, द अप्लायंस एंड द सिस्टम, आप इस बिजनेस को बहुत आराम से कर पाओगे। यू विल नॉट इवन हैव टेंशन ऑफ दिस बिजनेस जी, इतना इजी है। और अगर आगे बात करूं, हाँ, वी वर्क एज अ टीम, वी ऑलवेज वर्क एज अ टीम। टीम में काम करते हैं, पैसे बनते हैं, हाँ कंपनी को बेनिफिट होता है, तो कहां नहीं होता। आप कोई भी काम कर लो, आप किसी यहां जॉब कर लो, आप किसी कोई बिजनेस कर लो, आप किसी की एजेंसी ले लो, क्या कंपनीज बेनिफिट नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, उन्होंने बनाई ये सिस्टम रखा है। आप उनके सिस्टम को यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली दे विल बेनिफिट। आप इतने टाइम से कितनी सारी चीजें प्रमोट कर रहे हो, मत करो ये। इतनी सारी चीजें प्रमोट कर रहे हो ना, कर लो काम, डब ले आओ, डव की एजेंसी ले लो या डव को बाय करो और उसको प्रमोट करके देख लो, HLL के साथ काम कर लो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ काम कर लो किसी के साथ भी, एंड देन सी हाउ मच यू कैन मेक। यू विल बी ओनली वर्किंग डे एंड डे विद देम एंड यू विल नेवर बी एबल टू क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्स। यहां पे एटलीस्ट एक सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें आप ये बना सकते हो। देयर इज अ पाथ, यू ऑल नीड टू डू इज वॉक ऑन इट, हेल्प लो, टेक द गाइडेंस एंड गेट स्टार्टेड इनटू दिस properly. देखो करना क्या है, यू नीड टू टॉक टू योर हॉट्स। 8 से 10 हॉट लोगों की लिस्ट बनाओ। आपका जो फेथ जितनी जल्दी आपके अंदर आ जाएगा, जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो बिलीफ आपने जो डेवलप करना है, जितनी जल्दी उसको बिलीफ को अपने अंदर ले आओगे, बस उस बिलीफ को आपने उन्हीं में तो ट्रांसफर करना है। यू जस्ट नीड टू से यार देख, मैं ये कर रहा हूं, एक्चुअली ये काम करता है, आई हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, मैं वहां जाके हर एक चीज लीगली देख आया हूं कि हाँ ये लीगल सिस्टम है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलीगली काम करती हैं, यस देयर आर, तो किस इंडस्ट्री में नहीं है? बहुत सारी कंपनीज हर इंडस्ट्री में है जो इलीगली काम करती है। यहां पे आपने प्रॉपरली देख लिया, हाँ ये लीगल सिस्टम है, इसमें खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, और जिसकी को भी आप इसको प्रमोट करने वाले हो उसको बेनिफिट होने वाला है। सो व्हाई नॉट यू ट्रांसफर दैट फेथ एंड बिलीफ ऑन दैट पर्सन। आप उस फेथ, बिलीफ और कॉन्फिडेंस से आप उसके पास जाओ, प्लान भी दिखाने की क्या जरूरत है। सिंपल करो, यार मैंने ये सिस्टम किया है, आई हैव गॉट इनटू दिस, इट वर्क्स, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट बाय अ प्रोडक्ट एंड गेट स्टार्टेड विद मी। बाकी चीजें हम जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, इट्स सो सिंपल टू डू दैट। सो हर एक आदमी के 5, 8, 10 लोग होते हैं जो बहुत हॉट होते हैं या बहुत वार्म होते हैं, तो आपके पास भी होंगे। जस्ट गेट स्टार्टेड इन टू दोस, उन्हीं से बात करनी है। जहां दिक्कत आएगी, वी आर देयर, ब्रिंग देम टू द सेमिनार्स, ब्रिंग देम टू द सिस्टम एंड वील हेल्प यू आउट। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। यहां पे आपको हर एक चीज प्रोवाइडेड है, यू जस्ट नीड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और अगर मैं बात करूं, क्या लोग पैसा खर्च नहीं करते? क्या दे स्पेंड मनी? कहां नहीं खर्च करते? मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, 15 से 20 हजार का नॉर्मल मोबाइल फोन आते हैं, लोग ले आते हैं, पसंद नहीं आता, कुछ दिन तक उसको झेलते हैं, नहीं समझ आती, जाके फिर चेंज कर लेते हैं। क्या पैसा उनका जाता नहीं उसमें? जाता है। बट यहां पे तो कुछ भी खोने को नहीं है,
पैसे दिए, प्रोडक्ट मिल गया, उसके साथ एक टीम है जो उनके साथ पूरी शिद्दत से काम कर रही है, उनको हेल्प करने के लिए तैयार है एंड आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट हैव दैट फेथ एंड बिलीव। जितना टाइम आप अपने फेथ एंड बिलीफ को डेवलप करने में लगाओगे, उतना ही टाइम आपको लगेगा इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। सो माई एडवाइस टू यू इज हैव द फेथ, हैव द ट्रस्ट फैक्टर, हैव द बिलीफ एंड गेट स्टार्टेड विद दिस। करना क्या है, सेमिनार्स में आओ, इजी है ना, कुछ टाइम आओ आपका फेथ एंड बिलीफ बन जाएगा, आप कुछ टाइम अप्लायंस के साथ काम करो बन जाएगा, काउंसलिंग में जाओ बन जाएगा, प्रोडक्ट यूज करो बन जाएगा, शोरूम भी आ जाओगे सिर्फ जस्ट फॉर मतलब घूमने निकले और शोरूम तक चलेगा ना तब भी आ जाएगा। करना क्या है, यूट्यूब देखना है, यूट्यूब में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, गौरव सर की अवेलेबल है, सोनू शर्मा सर की अवेलेबल है, गो देयर एंड वॉच इट। यूट्यूब सिर्फ ऑन ही तो करना है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, उसको ऑन करो डेली बेसिस पे देखो एंड यू विल गेट इट, जस्ट डू दिस, बिल्ड फेथ, बिल्ड ट्रस्ट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग इनर बिलीफ एंड डू इट। अगर जितना जल्दी करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या आप वाकई में जल्दी जाना चाहते हो कि जल्दी आपका सारा काम हो, जल्दी से जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जल्दी से ज्यादा मनी फ्रीडम आए, टाइम फ्रीडम आए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए? अगर आप ये सब क्विकली चाहते हो तो अपना बिलीफ भी जल्दी ही बनाना पड़ेगा। जस्ट कम विद अस, हैव फन इन द सिस्टम, हैव द बिलीफ एंड गेट स्टार्टेड प्रॉपरली।